रामपुर के जिला अस्पताल की बिल्डिंग बेहद खूबसूरत मानी जाती है। लोग तो इसे रामपुर का ताजमहल तक कह देते हैं, लेकिन इलाज के लिए आए मरीजों की निगाह से देखें तो यहाँ चारों तरफ अव्यवस्थाएँ अव्यवस्थाएँ हैं। इलाज मिलना तो मुश्किल है, मरीजों को यहाँ बेड भी नसीब नहीं होते। हालात ये हैं कि एक बेड पर चार चार मरीज लेटे पड़े हैं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक इसके लिए अस्पताल की अव्यवस्थाएँ नहीं बल्कि गर्मी का मौसम जिम्मेदार है, जिसके चलते लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। मरीजों की इस हालत की बाबत जब रामपुर जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ढल से बात की तो उन्होंने मरीजों की बदतर हालत के लिए अस्पताल के प्रबंधों को नहीं बल्कि गर्मी के मौसम को जिम्मेदार माना। रामपुर यूपी से जाट टीवी न्यूज़ के लिए नाजिम अली की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। हाँ मोहम्मद जी, डायरिया वार्ड में एक एक बेड पे चार चार मरीज है, ऊपर से नीचे भी बैठे हुए, बैठने तक की जगह नहीं है। जो नीचे जो बेड उनकी बैठने की जगह है उसमें मरीज बैठे हुए नीचे सब। तो नीचे भी लेटे हैं, नीचे सब मरीज लेटे। यहाँ पे बेडों की व्यवस्था ही कहाँ है, सब ज़्यादा बुरी स्थिति है यहाँ रामपुर के अंदर ही। कितने लोग एक बेड पे? एक बेड पे चार चार हैं और नीचे जो मरीज पड़े हुए हैं उनका क्या करोगे? ऊपर डॉक्टर देखने के लिए आए नहीं? डॉक्टर कोई देखने के लिए नहीं आया। सुबह से नहीं आया कोई। यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, मरीजों का बुरा हाल है। 10-12 बेड हैं, महिलाएं जमीन में लेटी हैं, फड़क रही थी, उन्हें स्टूल में बिठा दिया, जब वो ज्यादा हुई तो वो जमीन में लेट गए। कोई इंतजाम यहाँ का नहीं है, ना डॉक्टर अभी तक आए। सुबह से एक डॉक्टर जरूर आए थे थोड़ी देर को, उसके बाद वो भी देख के चले गए अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद। नहीं, यहाँ पे कौन से उसका मरीजों का इलाज हो रहा है? यहाँ डायरी का टोटल डायरी का मरीज है, तो एक एक बेड पे चार चार पांच पांच चार चार हैं और स्टूलों पे बिठाल के। आपके बेड पे कितने लोग हैं? हमारे बेड पे 3 लोग हैं और एक अभी अभी गए हैं, 4 थे। कीटाणु होते हैं और ये लोग खाना खाते हैं उसको यूज करते हैं, इसकी वजह से जो है ये डायरिया हो जाता है। मरीज सब क्या ज़्यादा है, मरीज उतने हमारे पास स्टाफ नहीं है, उतने पलंग नहीं है, तो कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि 2-3 दिन तक लेटाने पड़ जाते हैं। जी जाती है कि उनको जो है इलाज दे के छुट्टी की जाए और फिर खाने की दवा दी जाए। थोड़ा तो पेशेंट्स की वजह से भी प्रॉब्लम है कि वो लोग अपनी मर्जी से जो है इलाज कराना चाहते हैं, एक बोतल लगाई फिर चले गए, 2 घंटे बाद फिर आके बैठ लेट गए, इससे समझे तो उपचार नहीं हो पाता। फ़ायदा इसका ये कहता है कि IV फ्लूड तब लगाया जाए जब थोड़ा सा डायरिया उसको कंट्रोल हो जाए, उल्टी वगैरह रुक जाए, तो फिर मुँह से खाने की दवाई और जो पानी में मिश्रण घोल बना के दिया जाता है वो लेना चाहिए। क्योंकि अज्ञानतावश कह दीजिए या जिद की वजह से वो अब नहीं चलने देते। तो कहीं ना कहीं ये मरीजों की जो है मतलब हठधर्मी के कारण भी ऐसा हो रहा है। दोनों तरह से, कुछ हम लोग जो है स्टाफ की कमी से उनको नहीं बेड दे पाते हैं और कुछ वो अपनी मर्जी से इलाज करना चाहते हैं, कई कारण होते हैं उसके भी, कुछ घर की उनकी मजबूरियाँ होती हैं, वो नहीं रुकते लगातार, इस वजह से दिक्कत आती है। उनका क्या?